हेलो फ्रेंड्स, लर्न एस्ट्रोलॉजी विद अनिल कौशल में आपका स्वागत है। आज लेसन नंबर 23 में हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न साइन की, जिसे हम हिंदी में मकर राशि बोलते हैं। जब कभी कैप्रिकॉर्न साइन या मकर राशि किसी व्यक्ति के लग्न में आ जाती है तो उसके क्या क्या प्रभाव, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले बात करेंगे इसके स्वामी की। मकर राशि का स्वामी शनि होता है, जिसे हम इंग्लिश में सैटर्न के नाम से पुकारते हैं, और इसका जो सिंबल है वो बकरा होता है, जिसे हम इंग्लिश में गोट के नाम से पुकारते हैं। कैप्रिकॉर्न साइन के लिए या मकर लगन के लिए जो शुभ ग्रह हैं वो बुध, शुक्र व शनि होते हैं। चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति और सूर्य इसके लिए अशुभ ग्रह माने जाते हैं। चंद्रमा की राशि कैंसर, हिंदी में जिसे कर्क राशि बोलते हैं, इसके 7th हाउस में आती है, इसलिए चंद्रमा इसके लिए मार का ग्रह बन जाता है। दूसरे ग्रह का स्वामी भी मार्केश होता है, लेकिन लगन और दूसरे ग्रह का स्वामी खुद शनि है और लगन का स्वामी कभी मार्केश नहीं हो सकता, इसलिए शनि को यहाँ से मार्का की लिस्ट में से निकाल दिया गया है। बात करते हैं बाधक स्थान की। मकर राशि 10 नंबर राशि है और ये एक मूवेबल राशि है, चल राशि है। इसके लिए 11वां स्थान बाधक स्थान कहलाता है और 11 नंबर खाने में मकर राशि वालों के लिए मंगल की राशि आती है, इसलिए जो मंगल ग्रह है यहाँ पे बाधकेश कहलाता है। योगाकार प्लैनेट मकर लगन वालों के लिए शुक्र माना जाता है, क्योंकि शुक्र यानी के वीनस की एक राशि यहाँ पर 5वें खाने की मालिक है और दूसरी 10वें खाने की। यहाँ पे मंगल 28 डिग्री पे उच्च राशि का कहलाता है और इसी राशि में जो बृहस्पति है, जिसे जुपिटर के नाम से भी जानते हैं, 5 डिग्री पे नीच का होता है। मकर लगन या मकर राशि किसी भी प्लैनेट की मूल त्रिकोण राशि नहीं है। यदि बात करें शादी के लिए जोड़ीदार ढूंढने की, तो कर्क लगन वाले, वृश्चिक लगन वाले और मीन लगन वाले कैप्रिकॉर्न लगन वालों के लिए अच्छे जीवन साथी माने जाते हैं। यदि हम बात करें भाग्यशाली अंक की, तो 6, 9, 8 मकर के लिए भाग्यशाली अंक माने जाते हैं। भाग्यशाली दिन की यदि चर्चा करें तो शुक्र, मंगल और बुधवार इसके लिए अच्छे दिन माने जाएंगे। यदि हम बात करें स्टोन की, तो इस राशि वाले या तो डायमंड पहन सकते हैं अपनी रिंग फिंगर में, वो इनके लिए बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली रहता है। भाग्यशाली रंग सफ़ेद, काला, लाल व नीला मकर लगन वालों के लिए भाग्यशाली अंक माने जाते हैं। यदि उपवास के दिन की बात करें तो शनिवार का दिन या शुक्रवार का दिन इनके लिए उपवास का दिन रहेगा। यदि हम बात करें इनके क्षेत्र की, तो ये हमारे जीवन में, हमारे शरीर में हड्डियाँ और मांस को नियंत्रित करते हैं। अब बात करते हैं रंग रूप और बनावट की। मकर लगन वाले लंबे कद वाले, पतले शरीर वाले, सारा शरीर तना हुआ रखने वाले, बड़ा सिर, बड़ी गर्दन, विशिष्ट नाक व कान वाले, पतले चेहरे वाले, झुके हुए कंधों वाले, जो कि मांसल नहीं रहते, बहुत पुष्ट नहीं रहते, लंबे दांत व लंबा निचला होंठ, पतला शरीर, लालिमा लिए हुए भूरा रंग, पतली कमर वाले, काले रूखे बालों वाले, पतले व लंबे हाथ पाम वाले, निर्बली जो मकर लगन वाले लोग होते हैं, इनके जो पेल्विक एरिया के नीचे के जो भाग हैं वो थोड़े कमजोर रहते हैं। अब बात करें इनकी अच्छी विशेषताओं की, तो ये पूर्ण व्यवहारिक होते हैं, जीवन के कष्टों के प्रति सहज होते हैं, मजबूत इरादे वाले होते हैं, अभिलाषी होते हैं, दृढ़ संकल्प वाले होते हैं, अच्छे संयोजक होते हैं, अच्छी कला वाले होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, सावधान रहने वाले होते हैं, समझदार होते हैं, अनुशासन में रहने वाले होते हैं, अच्छे सलाहकार होते हैं। इनकी एक इच्छा शक्ति ऐसी होती है कि जिस काम में पड़ते हैं उसमें डटे रहने की ताकत रखते हैं, व्यवहारिक होते हैं, सावधान और दया करने वाले होते हैं, उदार होते हैं, जीवन शक्ति युक्त होते हैं, परिस्थितियों से समझौता करने वाले होते हैं, दया, उदारता और मानवता का आदर करने वाले होते हैं। जब ये राशि या ये लगन, इस लगन का स्वामी शनि कहीं पीड़ित हो, तो कुछ ऐसी बुरी
बातें भी इनमें आ जाती हैं, घर कर जाती हैं, जैसे कि ये बदला लेने वाले की इच्छा रखने वाले हो जाते हैं, धार्मिक व पखंडी होते हैं, निर्लज्ज बन जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, दिखावा करने वाले बन जाते हैं और वायु जनित लोगों से पीड़ित हो जाते हैं। अधिकृत अंग जिन पे इनका अधिकार रहता है, हड्डियाँ, घुटने, खासकर घुटनों में सोजिश, घुटनों में दर्द इनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। जितने भी जोड़ों का दर्द होता है, आर्थराइटिस का जितना भी दर्द होता है वो इसी के अधिकार क्षेत्र में आता है। ग्रंथियों में ये नस और नाड़ियाँ और त्वचा की ग्रंथियों के मालिक होते हैं। मकर लग्न वालों को स्वाभाविक तौर पर कुछ ऐसे रोग हो सकते हैं जिनमें से जितनी इसकी अफ्लिक्शन होगी, जितना इनका स्वामी या ये खुद राशि पीड़ित होगी, उस तरह के रोग हो सकते हैं। इनमें कुछ विशेष हैं, कोढ़, श्वेत कुष्ठ, वाइट लेप्रोसी, दांत दर्द, जोड़ों का दर्द, दांतों का कारक है शनि, गठिया, घुटने में चोट, हड्डियों के रोग, एक्जिमा, मानसिक अवसाद, अल्पित, शैटिका जैसी पेन वाली बीमारी, जुलपिति और साइनस जैसी बीमारी जिसमें आपका जो रेशा है आपके यहाँ नाक के दोनों तरफ चिक्स में फंस जाता है, ऐसे रोग इनको हो सकते हैं। ऐसे लोग यदि हम बात करें कौन कौन से कामों के लिए अच्छे जाने जाते हैं, कौन सी अजीब का ये अच्छे तरीके से निभा सकते हैं, तो ये शक्तिशाली लोग जो बहुत बड़े अधिकार संपन्न पद को संभालते हैं और कुख्यात होते हैं, रसायन, जलीय पदार्थ, समुद्री उत्पादन, बंदरगाह, नावें, नाव जैसे किश्तियाँ, बड़े जहाज, समुद्री किश्तियाँ, बाग बगीचे, उपकरणों में काम करने वाले, योजना बनाने वाले, प्रशासन में काम करने वाले, वास्तुकार, भवन निर्माता, गैर सैनिक सरकारी नौकरी वाले, वैज्ञानिक सर्वेक्षण वाले, बैंकर, कुटीर उद्योग वाले, जनसाधारण का कार्य करने वाले, उत्तरदायित्व वाले पद संभालने वाले जहाँ पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पद होते हैं, कार्यकारी पद संभालने वाले, गहरी ध्यान व साधना करने वाले लोग हो सकते हैं। हर राशि की तरह मकर राशि में भी सवा दो नक्षत्र होते हैं। यहाँ पे पहला नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, जिसके तीन पद मकर राशि में पाए जाते हैं। ये एक पुरुष नक्षत्र है, इसका स्वामी सूर्य है। जब कोई बच्चा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे पद में पैदा होता है तो उसका नाम का पहला अक्षर भो होना चाहिए। यदि वो तीसरे पद में पैदा होता है तो उसका नाम जा से शुरू होना चाहिए। यदि वो चौथे पद में पैदा होता है तो उसका नाम का पहला अक्षर जी होना चाहिए। इसके बाद आता है चंद्रमा का नक्षत्र श्रावण, ये एक स्त्री नक्षत्र है। इसके चार के चार पद इस राशि में पाए जाते हैं। पहले पद में जन्म लेने वाले बच्चे का नाम खी से शुरू होना चाहिए। दूसरे पद में पैदा हुए बच्चे का नाम खू से शुरू होना चाहिए। तीसरे पद में यदि कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम खे से रखना चाहिए, और यदि चौथे पद में पैदा होता है तो उसका नाम खो से रखना चाहिए। इसी तरह इस राशि में पाए जाने वाला तीसरा नक्षत्र जो है वो मंगल का है। वो एक स्त्री नक्षत्र है, उसका नाम धनिष्ठा है। उसके दो पद इस राशि में पाए जाते हैं। पहले पद में यदि कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका नाम का पहला अक्षर जो है वो गा से शुरू होना चाहिए। दूसरे पद में पैदा हुए बच्चे का नाम गी से शुरू होना चाहिए। ये था मकर राशि का भेद। इसी तरह की वीडियो यदि आप चाहते हैं कि आप तक पहुंचे और आपको अच्छी लगती हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।